सबसे पहले तो मैं मेरे बीजेपी के मित्रों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, जिसने मेरा मुंह सूंघना है अभी आ जाए, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। जिसने मेरा मुंह सूंघना है अभी आ जाए, फिर बीच में आते हो ना डिस्टर्ब होता है। जब भी मैं सच बोलता हूं तो आपको शक होता है। मिस्टर थॉल आओ ना, फिर मिस्टर थॉल प्लीज सिट डाउन। नो पॉइंट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? इट्स नॉट इवन गोइंग ऑन रिकॉर्ड। तो मैम, जो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसका ये कत्ल हो रहा है इस बिल के जरिए। मैम, आजादी के बाद किसी को भी धर्म के नाम पर सिटीजनशिप नहीं मिली। सिट डाउन मैम। पंजाब से प्लीज सिट डाउन। लगभग 150-200 साल पहले हमारे बुजुर्गों को अंग्रेज मेघालय में, सिक्किम में, असम में ले गए, तो अब वो तो वहीं पे हैं। अब उनके बारे में, उनके पिताओं के बारे में, जो उनके ग्रैंडफादर्स के बारे में कहां से पता करेंगे, उनका क्या होगा फिर? पंजाबी है वहां पे, जहां सिक्किम में अभी गुरुद्वारा में एक घटना हुई थी। तो मैम, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बिल के जरिए आपने सपोज कर लो 50 लाख लोग ऐसे आपने शनाख्त कर ली कि ये लोग इलीगल हैं, तो उनका करोगे क्या फिर? कहां लेके जाओगे उनको? कोई शरणार्थी कैंप बनाओगे उनके लिए? क्या बनाओगे? कहां? बांग्लादेश तो लेगा नहीं, तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनका क्या करोगे? अगर शरणार्थी कैंप बनाओगे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये बिल लेके कहां जा रहा है हमें? मैं ये कहना चाहता हूं मैम, जो चलो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं, वो उनको हम लेने चाहते हैं। जो हमारे देश से शरणार्थी गए हैं जर्मनी, इटली, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, वो काली सूची में डाल रखे आपने, वो काली सूची में डाल रखे आपने उनको। मैम, आखिरी बात मैम, वो काली सूची में। मैम, हम भी आर्यन लोग हैं, हम आर्यन लोग हैं, हम भी ऐसे आए थे, हम कहां जाएंगे? आखिरी मैम एक शेर बोलूंगा। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत वर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। पल्लव लोचन दास जी,